देखो क्वेश्चन नंबर 26, साइन ऑफ 2a प्लस 3b कॉस ऑफ 2a माइनस 3b प्लस कॉस ऑफ 2a प्लस 3b इनटू साइन ऑफ 2a माइनस 3b। मैंने इक्वल्स तो क्या प्रूव करने का रखा है, साइन 4a, प्रूव क्या करेंगे, साइन ऑफ 4a। अब बच्चों मेरी बात सुनो, मैंने LHS लिखा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले 2a प्लस 3b को x मान लो, 2a माइनस 3b को y मान लो, this one is x and this one is y। मैंने 2a plus 3b equals to क्या मान लिया है, x, और 2a minus 3b equals to y। अगर इससे हम लोग आगे चलते हैं तो sin x into cos y plus cos x into sin y, sin x into cos y plus cos x into sin y। तो ये formula सर ने dictate किया है। हाँ, मैं यहाँ पे let करके लिख देता हूँ, x equals to 2a plus 3b और y equals to 2a minus of 3b। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, sin of x plus y। फॉर्मूला किसका हो जाता है, sin of x plus y। अब बच्चों मैं बोलूँ कि मैं x और y की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, मेरा x क्या है 2a plus 3b और मेरा y क्या है 2a minus of 3b। अब जितना आप लोग समझ रहे हो वहां तक कि 3b 3b कैंसिल माइनस प्लस, तो रिमेनिंग क्या होगा 2a plus 2a एंड दैट विल बी सेम एज 4a एंड दैट इज सेम एज योर RHS। तो एक बार देख लो ये भी। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, इफ अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6, देन प्रूव दैट 2 साइन अल्फा माइनस कॉस बीटा इक्वल्स टू रूट 3 साइन बीटा। प्रो क्या करना है, तो साइन अल्फा माइनस कॉस बीटा इक्वल्स टू रूट 3 इंटू साइन बीटा। तो बच्चों एक बार क्वेश्चन को ढंग से फोकस कर लो तो फिर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मेरे पास जो कंडीशन है उसी को ही मैं यूटिलाइज करके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। देखो मैं एक चीज, सबसे पहले तो मैं LHS को RHS टारगेट कर रहा हूं, तो मेरा LHS क्या है, 2 इंटू साइन अल्फा माइनस ऑफ कॉस बीटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आगे जो बढ़ने की मैं ट्राई करूंगा तो मेरा RHS देखो, मेरा RHS जो है उसमें सिर्फ बीटा टर्म है, मतलब अल्फा को एलिमेंट करना है, और वो अल्फा को एलिमेंट करने के लिए मेरे पास ये कंडीशन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6। सो दिस वन इज वेरी इजी, अल्फा की वैल्यू लगा दो पाई बाय 6 प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाय 6 प्लस बीटा। तो वो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पाई बाय 6 प्लस बीटा। तो अब आगे बढ़ने के लिए 2 इंटू साइन पाई बाय 6 प्लस बीटा माइनस ऑफ कॉस बीटा। अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या ट्राई करेंगे, तो अब आप लोग देखेंगे कि RHS में बीटा टर्म चाहिए और थ्रू आउट दिस एक्सप्रेशन बीटा इज देयर। तो इसको x मान लो और इसको क्या मान लो y, इसको मतलब पाई बाय 6 को x मानो और बीटा को क्या मान लो y। तो साइन x प्लस y का फॉर्मूला, तो साइन x इंटू कॉस y, कॉस x इंटू साइन y माइनस ऑफ कॉस बीटा। वैसे मैंने प्रैक्टिस करवाई है, साइन पाई बाय 6 31 बाय 2 कॉस बीटा, दिस वन इज रूट 3 बाय 2 साइन बीटा माइनस ऑफ कॉस बीटा, कॉस 30 कॉस पाई बाय 6 रूट 3 बाय 2, 2 एलसीएम लेके इससे कैंसिल कर दो, तो कॉस ऑफ बीटा
प्लस रूट थ्री साइन बीटा माइनस ऑफ कॉस बीटा। तो आप लोग क्लियर देख सकते हो कि माइनस प्लस कॉस बीटा क्या हो जाएगा आपका कैंसल, तो रिमेनिंग जो है वो निकल के आएगा वो रूट थ्री इंटू साइन बीटा एंड दैट इज सेम एज योर आरएचएस। देख लो एक बार।